हेलो नोट्स ऑफ गाइस के सबसे पहले वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले सीरीज। गाइस आज हम लोग दोबारा से खेले जा रहे हैं क्राफ्ट माइंड 4 को। सो गाइस लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बनाया था ये वाला आयरन फार्म जो कि 100% वर्क कर रहा है। और यहाँ पे देखो आपके सामने अभी भी जो है वो एक आयरन गोलियम स्पॉन हुआ और दूसरा भी उसी वक्त स्पॉन हो चुका है। बाकी आज की ये वाली वीडियो का टॉपिक हमने जो है वो लास्ट वाली वीडियो में ही बता दिया था कि आज की ये वाली वीडियो के अंदर एकदम खतरनाक वाला एक फार्म बनने वाला है। जिस फार्म को बनाने के लिए हम लोगों को जो चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बिना नहीं बन सकता वो चीज़ भी हम लोगों को मिल चुकी है। तो चलो हम लोग दिखाते हैं। और इससे पहले हम लोगों को आयरन देखना है कितना आयरन हुआ है, लेकिन रात हो चुकी है, हम लोगों को सबसे पहले सोने जाना पड़ेगा। हमने लगभग आयरन फार्म बनाया है तब तक उस वीडियो से लेकर इस वीडियो तक हमने जो है देखा नहीं है कितना आयरन हुआ है। बाकी हमारा होस्ट कहाँ गया? वो हेलो एक सेकेंड, यहीं पे तो बंधा हुआ था, कहाँ गया वो? क्या उधर खेलने तो नहीं चला गया ना? एक सेकेंड, रस्सी तोड़ के निकल गया भाई। वो हेलो, ओ तेरी भैंस की रात हो गई यार, ये तो भाई अलग ही नशे चढ़े रखे हैं। ओ भाई तू इधर क्या कर रहा है भाई? मेरा एक तो हॉर्स गायब हो गया और तू इधर नाच रहा है, ना रहा है। आ जा ये ले ख़त्म। अबे तेरी, ये लोग तो मारने लग गए, भागना पड़ेगा इधर से बहुत तेज वाला। हम लोगों को सोने जाना है फटाफट से। और यहाँ पे तो भाई सभी मॉब जो है वो स्पॉन हो चुके हैं, मुझे जाना पड़ेगा फटाफट से। अरे नहीं यार, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जाना तो पड़ेगा। चलो चले। ओके गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं। और ओ भाई हो, मेरा होस्ट तो इधर है। एक सेकेंड, अच्छा हुआ था मैंने सैंडल निकाल लिया था उसके पास से। बाकी मेरा होस्ट तो इधर है भाई। ओ भाई हमारे पास दो सैंडल है तो हम लोग को। एक सेकेंड, इसके पास तो सैंडल है। ग्लिच हो गया क्या? वो तेरी क्रीपर आ रहा है, एक मिनट पहले क्रीपर को भगाओ। ग्लिच हो गया, मैंने होस्ट के अंदर से जो है वो सैंडल निकाल लिया था और ये वापस से कैसे आ गया सैंडल उसके अंदर? ग्लिच भाई, ग्लिच हो गया। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्लिच हो गया वो हमारा ही फायदा है। और वहाँ पे जो है वो क्रीपर से हम लोग जो है वो भाग के आ चुके हैं। अभी वापस से हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या सच में उसने सैंडल पैर रखा है या फिर सिर्फ दिखाई दे रहा है। ओके यहाँ पे राइट का ऑप्शन आ रहा है। और एक सेकेंड, इसने सैंडल पैर पहन के रखा हुआ है। अरे भाई हमारे पास जो है वो दो सैंडल थे, एक विलेज से मिला था और एक जो रियल चीज़ हम लोगों को मिली है जिसके बिना ये फार्म नहीं बन सकता। अभी बनाया है हम लोग बना रहे हैं वो फार्म, तो वो चीज़ जो है वो हम लोगों को सैंडल जो है वो हम लोग वहीं से ही मिला था। तो आ जाओ मैं दिखाता हूँ, ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाता हूँ और लेट्स गो दिखाते हैं हम आपको। तो यहाँ पे पहले तो ये लीव और ये ट्राइडेंट, और ट्राइडेंट जो है वो हम लोगों ने ड्राउन ज़ोंबी को मारा था वहाँ पे विलेज के पास था ड्राउन ज़ोंबी, तो मैंने उसे मारा और मुझे वो उसने ट्राइडेंट दिया। सच में मेरा ये वो पहला ज़ोंबी था जिसने मुझे मैंने उसे मारा था और उसने ट्राइडेंट गिरा दिया था सीधा। और यहाँ पे देखो मैं जो है वो आयरन फार्म के लिए जो है वो माइनिंग कर रहा था तभी मुझे ये मिला और मैंने मिलता ही ये टोचेस लगा दी और इसकी चेस्ट के अंदर से हम लोगों को जो है वो सैडल भी मिला था। तो ये देखो मैंने सारे के सारे चेस्ट लूट ली है और यहाँ से हम लोगों को एक बुक भी मिली थी, एन्चैंटेड बुक। तो अभी हम लोगों को ये वाला जो ज़ॉम्बी स्पॉनर है उससे हम लोग बनाएंगे एक ईजी वाला जो है वो HP फार्म। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं आयरन फार्म में और देखते हैं कितना आयरन हुए हैं और वहाँ पर भी सारा सामान बना लेंगे। तो ओके गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो पहुँच चुके हैं आयरन फार्म के पास। तो चलिए चलते हैं फटाफट से, देखते हैं कितने आयरन हुए हैं। और ये खाना हम लोग यहाँ पर बनाने के लिए रख देते हैं ताकि भूख लगे तो हम लोग जो है वो खा सके। तो यहाँ पर ऊपर चढ़ते हैं और एक सेकेंड, मैंने इसे ठीक ही नहीं किया था क्या? अरे यार चलो वापस चलते हैं। आप लोगों को मैंने जो है वो ये जो है वो ठीक से चेस्ट के नीचे ही रख दिया, मतलब इसको जो है वो हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है वो ये तो मेरे पास ही था, स्काफ फोल्डिंग हमारे पास ही थी। तो अभी हम लोग इसको जो है वो तोड़ते हैं, इस क्राफ्ट फोल्डिंग और इसको लगाते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर सारे के सारे ले लेते हैं पहले तो, और यहाँ पे हम लोग एकदम मैनेजमेंट कर लेते हैं पहले तो। ओके तो हम लोगों को लगानी होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग स्काफ फोल्डिंग को लगा देते हैं और ये एकदम परफेक्ट तो जा रही है ना, हम पता चला वापस तोड़नी पड़े। तो आ जाओ लगाते हैं, पहुँच गई क्या?
एक सेकेंड देखते हैं, और ये पहुंच गई, शायद से पहुंच गई है। आ जाओ ऊपर चलते हैं फटाफट से और देखते हैं हमारे चेस्ट के अंदर कितना आयरन है। और ये मैं पहुंच चुका हूं, देखते हैं। ओ भाई 64 और 7। अरे यार इतने सारे आयरन कैसे हो गए, मैंने तो एफके भी नहीं किया था। लगता है मैं काम कर रहा था तभी जो है वो ढेर सारा आयरन जो है वो आ गए। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतने में तो हमारा जो है वो आयरन आर्मर भी बन जाएगा, और अपनी जो एचपी फार्म के लिए हम लोग को कुछ जो जो सामान चाहिए, एचपी फार्म के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक होपर और दो चेस्ट, और हम लोग को कुछ चाहिए होगी दो स्लेब्स एंड और दो वाटर बकेट, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना सा सामान। तो चलो फटाफट से बना लेता हूँ मैं, और उसके बाद मिलता हूँ मैं सारा का सारा आयरन आर्मर और आयरन के टूल्स एंड जो भी एचपी फार्म के लिए बनाना है, मतलब जो भी लगेगा वो सब बना के मैं मिलता हूँ को बाद में। तो फटाफट से एचपी फार्म पे मिलते हैं। सो ऑल राइट गाइस, फाइनली हम लोग जो है आ चुके हैं यहाँ पे सब कुछ बना कर। तो अभी हम लोगों का ये वाला कमरा कितने का है वो तो देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये और ये 5 का कमरा है। एक सेकेंड, पहले तो इसे काटो, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। और ये मैंने खामाखा जो है वो ये चेस्ट बना दी, पहले से यहाँ पे थी। और क्या जाऊँ तो यहाँ पे जो है वो ये जो है वो ठीक 5 के है, मतलब 5 का ये पूरा का पूरा कमरा है। तो हम लोगों को इसको 9x9 का बनाना है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम लोगों को जो है वो यहाँ पर हम लोगों को ये दो ब्लॉक यहाँ से निकालने होंगे, एक और ये, यहाँ से दो ब्लॉक, ये पूरी की पूरी दो ब्लॉक की लाइन जो है वो यहाँ से हट जाएगी, ये पूरी की पूरी दीवार यहाँ से दो ब्लॉक की हट जाएगी, और सामने भी ठीक ये दो ब्लॉक की जो है वो पूरी की पूरी वॉल हट जाने की। और यहाँ से हम लोग ये वाली दो ब्लॉक को दो वॉल को हटा देंगे, और यहाँ पे भी ये 5 का ये, तो यानी ये भी जो है वो दो हटेगी यहाँ से पूरा, मतलब ये दो लाइन पूरी हट जाएगी यहाँ से, और ये वाली भी दो लाइन पूरी की पूरी यहाँ से हट जाएगी। तो मैं इसे हटा के मिलता हूँ आपसे बाद में। तो ये सब हम लोगों को जो है वो निकालना पड़ेगा पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ढांचा है, मतलब एक दीवार है ये, तो जहाँ तक अपनी ऊंचाई है उतना ही निकालना है, ज़्यादा मत निकाल देना। तो निकालने के बाद मिलता हूँ आपको। सो गाइस फाइनली जो है हम लोगों ने जो है वो ये कमरे की मतलब ये सब को निकाल दिया है, बाकी यहाँ पे हम लोगों को कुछ ब्लॉक्स लाके लगाने होंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे भी हम लोगों को खोदना है, मतलब यहाँ से हम लोगों को जो वो 3 ब्लॉक नीचे तक हम लोगों को ये पूरा जो है वो खोदना है। तो 1, 2 और 3 यहाँ से हम लोगों को ये सब खोदना पड़ेगा, पूरा का पूरा साफ करना पड़ेगा। तो 3 ब्लॉक भी खोद डालते हैं वापस नीचे से। ओके गाइस फाइनली जो है हम लोगों ने पूरा का पूरा कमरा को 9x9 का बना दिया है, और 3 ब्लॉक को भी नीचे से हटा दिया है। 3 ब्लॉक्स जितनी जगह थी उतनी जो है वो हम लोगों ने निकाल दिया है यहाँ से, देख सकते हो। और ये एंडरमैन आ गया, सब कुछ जो है वो अंदर एंडरमैन आ गया था और मुझे उसे मारना पड़ा, ये डर्ट ब्लॉक उसी का ही है। तो यहाँ पर देखो, और ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 ब्लॉक का ये बन चुका है पूरा का पूरा एरिया 9x9 का। तो अभी हम लोगों को जो है वो वाटर बकेट की बारी है। तो वाटर बकेट को हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो जो वाटर बकेट है उसको हम लोगों को यहाँ पे पहले अनलिमिटेड वाटर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को जो है वो वाटर जो है वो 3 बाल्टी ही है, मैं 2 ही बाल्टी भर के लाया था, तो ये मुझे वापस से भरने जाना पड़ा था। बाकी तो हम लोग यहाँ पे अनलिमिटेड कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये कॉर्नर पे और ये कॉर्नर पे दोनों और ये चारों के चारों कॉर्नर पे हम लोगों को जो है वो वाटर बकेट डाल देनी है भर के। तो यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, और एक सेकेंड यहाँ पे और एक रह रहा है तो इसे भी भर ही लेते हैं। चलो आ जाओ, तो ये पूरा का पूरा वाटर सूख चुका है। अभी हम लोगों ने 2 कॉर्नर पर लगा दिया है, अभी हम लोगों को और 2 कॉर्नर पर लगाना बाकी है। तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, और हम लोगों को लगाना है ये वाले कॉर्नर पे। तो आ जाओ यहाँ पे भी लगा देते हैं, और ये लगाने के बाद बिल्कुल ही अपना फ्लोर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आके जो है वो रुक जाएगा। अभी यहाँ से हम लोगों को जो है वो 15 ब्लॉक्स जो है वो नीचे को खोदना है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर जो है एक पिकेक्स बना लेते हैं, ताकि हम लोग जो है वो खोते खोते अगर पिकेक्स टूट गई तो हमारी गिनती भूल जाएगी हम लोग। तो सबसे पहले तो एक नई पिकेक्स बना लेते हैं,
ताकि बीच में जो है वो कुछ ना आए। बाकी ये पिकेक्स बन क्यों नहीं रही है? एक सेकेंड, कुछ तो कर। अबे यार मैं क्राफ्टिंग टेबल के अंदर रख के बोल। ओके अभी अभी बन जाएगी अपनी पिकेक्स। तो फटाफट से इस पिको पिकेक्स को बाहर निकलते हैं। आज पता नहीं क्या हो गया, उल्टा सीधा ही बोल रहा हूँ। तो चलो अभी हम लोग को जो है वो यहाँ से अपना सब कुछ जो है वो बना लिया है, हमने पिकेक्स बना लिया। बाकी इस वाले पिकेक्स तो हम लोग फेंक देते हैं और अभी हम लोग इसको तोड़ देते हैं। और अभी पिकेक्स, एक सेकेंड, क्राफ्टिंग टेबल हम लोगों को लेनी है और लगता है कुछ और सामान आ गया है, तो इसे फेंकते हैं। और ये क्राफ्टिंग टेबल हमारे हाथ में आ चुकी है, तो अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर खोदते हैं 15 ब्लॉक। तो पहले एक और दो, और हम लोगों को जो है वो 15 ब्लॉक तक तो खोद देना है। तो फटाफट से खोद डालते हैं और ये पूरा का पूरा। और ये तो एक मिनट में भूल गया, कितना था, वापस से जाना पड़ेगा। ओके तो वापस से खोलते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये 15 हो गया। चलो अभी हम लोगों को यहाँ पे जो है वो एक सबसे पहले तो टॉर्च निकालते हैं। यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे जो है वो एक टॉर्च प्लेस करते हैं। अभी हम लोगों को जो है वो यहाँ पे जो है वो 3x3 का एक कमरा बना देना है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग बना देते हैं ये वाला, और यहाँ से भी हम लोग 3 ब्लॉक्स को उड़ा देते हैं, एक दो और ये 3। और ये हमारा कमरा बन जाएगा एक प्रॉपरली, मतलब यहाँ पे जो है वो अपनी HP वगैरह हम लोग कलेक्ट करेंगे और ज़ोंबीज को मारकर। तो ये उसका कमरा है, तो यहाँ पे जो है वो इसे खोद देते हैं पूरा का पूरा। और अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है वो आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों को जो है वो यहाँ पे ये टॉर्च को हटा लेते हैं। यहाँ से हम लोगों को यहाँ इस टॉर्च को पहले यहाँ पर लगा देते हैं और इसे हटा लेते हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पर जो है वो अपना एक वो डालना है, एक सेकेंड क्या कर रहा हूँ मैं। ओके तो हम लोगों को यहाँ पे चेस्ट डालनी है और होपर। तो चेस्ट और होपर कहाँ है हमारा, तो चेस्ट और होपर आ चुके हैं हमारे। अभी हम लोगों को यहाँ पे इसे प्लेस कर देते हैं और इसे भी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अभी क्राउच होके हम लोगों को जो है वो इस चेस्ट को अटैच करके हम लोगों को होपर लगाना है। और ये काम हो चुका है, अभी हमारा काम है स्लैब्स लगाना। तो चलो आ जाओ, स्लैब्स निकालते हैं इन्वेंटरी में से। और मैंने 8 स्लैब्स लगा दिए, कुछ ज़्यादा ही हो गए नहीं। तो यहाँ पे जो है वो ये 2 ही स्लैब्स चाहिए थे सिर्फ, तो 2 स्लैब्स हमने लगा दिए हैं। अभी हम लोगों को जो है वो सिंपल सा एक ही काम है, वो है ये पूरा का पूरा मतलब तैयार हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे आराम से जो है वो मार सकते हैं। तो अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा ऊपर, और टॉर्च जो हमने लगाई है वो सारे के सारे टॉर्च जो है वो हटानी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो अपना ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए और सीधा यहाँ पर आएंगे। तो फटाफट से मैं चला जाता हूँ ऊपर, लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक रास्ता बनाना पड़ेगा यहाँ से जाने का, बिकॉज़ हम लोग जो है वो बिल्कुल ही स्पॉनर के नीचे है। तो हम लोगों को जो है वो रास्ता बनाना होगा, यहाँ से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो टॉर्च को यहाँ पे लगाते हैं और इस टॉर्च को तोड़ देते हैं। और यहाँ से हम लोग 9 ब्लॉक दूर जाएंगे, तो एक और इसे भी तोड़ दो। और ये हो गया एक ही, एक ही हुआ है, एक और दो और 3 4 5 6 7 8 9 और इतना तो बहुत है। अभी तो यहाँ से हम लोग सीधा स्पॉनर से दूर ही उतरेंगे, बाहर कहीं उतर जाएंगे स्पॉनर से दूर। तो अभी हम लोगों को जो है वो स्कैफोल्डिंग जो है वो अपने यहाँ पे लगानी है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कहीं बाहर रात तो नहीं हो रही, वरना ज़ॉम्बी हमारा कचुंबर बना देगा। तो चलो अभी हम लोग जो है वो स्कैफोल्डिंग लगाते हैं और ऊपर चलते हैं फटाफट से। ओके गाइस, फाइनली जो है मैं ऊपर आ चुका हूँ। और ये देखो मैंने स्कार्फ होल्डिंग जो है वो कम हो गई थी, इसलिए मैंने जो है वो लेदर लगा दी है, सीढ़ियाँ लगा दी है। तो अभी हम लोग देखो यहाँ से हम लोग ऐसे नीचे जा सकते हैं और यहाँ से हम लोग सीधा ऊपर भी आ सकते हैं। तो अभी हम लोगों को काम ये है कि हम लोगों को जो है वो टॉर्चेस तोड़नी है। तो फटाफट से चलते हैं और टॉर्चेस तोड़ते हैं, बाकी मैं वापस क्यों गया था। चलो चलते हैं और अभी इसके नीचे चलते हैं फटाफट से यहाँ से। और यहाँ पर हमारा कहाँ पे है, ओके वहाँ पे था शायद से। ओके आ जाओ, पिकेक्स हमारी जो है वो यहाँ पे है। और ये वाला जो है वो स्टोन लगा देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि हमारी यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पे कितने टॉर्चेस लगाई है मैंने, तो इन सबको मुझे निकालना पड़ेगा। चलो चलते हैं अंदर, और कूद गए हैं हम।
और यहाँ से हम लोग जो है वो सारे के सारे टॉर्चेस को निकाल देते हैं। ये निकल क्यों नहीं रही है भाई? एक सेकंड, ये निकल गया, निकल गया फाइनली। अभी ये वाली भी टॉर्च जो है हम लोग को हटानी पड़ेगी। एक भी टॉर्च नहीं, यहाँ पे रोशनी ही नहीं होनी चाहिए वरना तो स्पॉन नहीं हो गए। तो हम लोगों को जो है वो टॉर्चेस सारे के सारे हटानी ही होगी। अभी मैंने 2 क्यों लगाई थी भाई, अभी दिक्कत है ना। ओके आ जाओ यहाँ से, तो मैं गिर जाने वाला हूँ भाई। एक सेकेंड, सारे के सारे तोड़ दो। और ये अभी 2 ही बची हुई है। एक सेकेंड, मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा, और वैसे भी ऊपर जाना ही है क्योंकि ज़ोंबीज अगर आ गए बाहर तो हमारा वाट लगा के जाएंगे। तो हम लोगों को जो है वो नीचे जाना पड़ेगा। तो फटाफट से हम लोग जो है सबसे पहले तो यहाँ पे एक ऊपर जाना पड़ेगा। तो फटाफट से हम लोगों को यहाँ पे ये लगा देते हैं ब्लॉक्स को, और चलते हैं फटाफट से वहाँ पे। उसके बाद ये वाले ब्लॉक्स को तोड़ देते हैं, और ये वाले ब्लॉक को तोड़ने के बाद ये वाला, 1 मिनट ऊपर तो चले जाता हूँ। ओके तो ये वाला ब्लॉक भी टूट जाएगा, और जैसे जैसे वो कोबलस्टोन जा रहा है वैसे ही ज़ोंबी भी चला जाएगा अंदर। तभी हम लोग यहाँ से जो है वो शायद से ये तोड़ सकते हैं टॉर्चेस। और ये लो, और ये फाइनल वाली। ओ भाई, तीन तीन एक साथ स्पॉन हो गए थे। एक सेकेंड, तीन तीन एक साथ स्पॉन हो गए हैं। पहले तो हम लोग को यहाँ पे टॉर्च लगाते हैं क्योंकि हम लोग को आगे जाने के लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी इसे तोड़ देते हैं, और इस पत्थर को भी तोड़ देते हैं, और आ जाओ अभी इसको बंद कर देते हैं। और अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं कितने ज़ोंबीज हमारे आते हैं, और देखते हैं। ओके गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो नीचे तो आ चुके हैं सारे सारी इन्वेंट्री खाली करके। और यहाँ पे 2 ही आए हुए हैं क्योंकि मैं एफके नहीं था ना। एफके करना पड़ेगा, वहाँ पे ऊपर बैठना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है वो ये लोग नीचे आएंगे। बाकी ये लोग 2 तलवार की हीट में मर रहे हैं, हम लोगों को एक ही हीट में मारना है। तो हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा, ऐसे इसको एक की हीट में मारना है। तो हम लोगों को जो है वो यहाँ पे अपना 2 ब्लॉक जो है वो नीचे वापस से खोदना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को एक ही हीट में मारना है। तो हम लोग जो है वो 2 ब्लॉक और खोदेंगे तो हमारे ज़ोंबी जो है वो ज़्यादा डैमेज लेगा और वो जो है वो मर जाएगा एक ही हीट में। तो 2 ब्लॉक हम लोग जो है वो और खोद देते हैं, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं। तो फटाफट से इस सबको वापस से वो करना पड़ेगा। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो वहाँ पे जो है वो 2 ब्लॉक नीचे कर रहा था, 2 लेयर, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तो मैं यहाँ पे जो है वो ये स्टेयर बनाने में लग गया था। मतलब वो 2 ब्लॉक काट के मैं जो यहाँ पे जो है वो एफके करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे जो है वो स्टेयर बनाया जाए। और एक नंबर मैंने स्टेयर बना ली है। बाकी काफ़ी टाइम से मैं जो है वो स्टेयर बनाने में लगा हुआ था। और ये अपना, एक सेकेंड, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? ओके तो ये चला जा चुका है। तो अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से नीचे। और फाइनली हमारा जो है वो HP फार्म जो है वो बन चुका है। बहुत ही ईजी था, बहुत ज़्यादा ही ईजी था ये तो, बट टाइम ज़्यादा लगा। बाकी यहाँ पे देखो ढेर सारे जो है ज़ोंबीज जो है वो हमारे आ चुके हैं, और ये 2 ब्लॉक मैंने नीचे कर दिया था वापस से। तो यहाँ पे हम लोग अपनी तलवार निकालते हैं और इस सबको मारते हैं फटाफट से। और ये देखो सब के सब एक ही साथ मरते हुए यहाँ पे, और सबके मारेगा, सबको मारेंगे हम। तो आ जाओ सबको मारते हैं। बाकी ये वाली वीडियो में इतना ही, आज की ये वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबाओ, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में एक और फार्म बनाने वाले हैं जिस फार्म के अंदर हम लोग को अनलिमिटेड ज़ोंबीज को जो है वो आ सकता है। उसके अंदर अनलिमिटेड ज़ोंबी आएंगे तो वो तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, और कैसे मतलब आएंगे वो सब। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम लोगों को बहुत जल्द 1K करने हैं इसलिए जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, गुड बाय।